स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। एंड जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर, कौन से कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं, करियर ऑप्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड लॉट मोर। सो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। जिस कोर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंटीरियर डिजाइनिंग। ना जब भी हम आर्किटेक्चर फील्ड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत कम नॉलेज होती है अबाउट दिस फील्ड, मेनली बिकॉज जब भी हम सोचते हैं कि हम कौन सा कोर्स परस्यू कर सकते हैं तो वो सोचते हैं बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर हम कर लेते हैं एंड हमें सारी इन्फॉर्मेशन उसी में मिल जाएगी। बट आप सही है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कोई स्पेशलाइजेशन फील्ड में पढ़ाई करने का, क्योंकि उसमें आपको एक्सटीरियर भी सिखाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग भी सिखाते हैं एंड आप सोचते हैं कि आई एम परफेक्ट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग एंड उसके कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको कोर्स परस्यू करना होता है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंटीरियर डिजाइनिंग, जो कि एक उसका स्पेसिफिकेशन कोर्स है, स्पेशलाइजेशन कोर्स है। ना अगर हम बात करें इंटीरियर डिजाइनिंग में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, यानी आपको बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, तो आपको सीखने के लिए मिलता है कि जो भी आप फोर कॉर्नर यानी चार दीवारी के अंदर जो भी आप सेटअप लगाते हैं, चाहे वो ऑफिस वर्क प्लेस का हो, चाहे आप घर पे कोई डिजाइनिंग करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे घर की तो उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अगर कोई भी रैंडम पर्सन है, अगर हम और आप भी सोचें तो ऐसे बेसिक कॉम्बिनेशन तो सब लगा सकते हैं कि यार यहाँ पे टेलीविजन होना चाहिए, यहाँ पे सोफा, यहाँ पे टेबल, या ऐसा फॉल सीलिंग। लेकिन इसकी रीजनिंग क्या होती है कि क्यों यहाँ पे होना चाहिए, क्यों यहाँ पे परफेक्ट लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, इसका तर्क वितर्क जिनके पास होता है वो होते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स एंड उन्हें ये कोर्स परस्यू किया होता है जिसका नाम है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन स्पेशलाइजेशन लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग। ना आपको यही नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है अगर हम इसकी टेक्निकलिटी पे घुसे कि आप क्या क्या लर्न करते हैं, क्या क्या स्किल्स आपकी ग्रूम होती है, तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे एक ब्लैंक स्पेस को न्यू लाइफ दे सकते हैं एक इंटीरियर डिजाइनिंग करके, कैसे उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कैसे उसके कलर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। अगर हम बेसिक रूम की बात करें या अपने घर की बात करें तो कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट होगी, कौन से वॉल का कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, क्या टाइल्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे फर्नीचर को ऐड कर सकते हैं, कौन सा टाइप मैच नहीं करेगा आपके टाइप जो आप पर्टिकुलरली डिज़ाइन सोच रहे हैं, फ्रेम सोच रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन आपको सिखाया जाता है कैसे आप इनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई भी आइडियाज़ को लेकर आप कैसे फाइनली एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको ड्रॉइंग रिलेटेड स्किल्स सिखाई जाती हैं कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज मेनली इट्स अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग कि आप इंटीरियर की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। ना आपको सिखाया जाता है कि आप कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस, हाईवे कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन जैसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको डिजाइनिंग करने का मौका मिलता है। फिर आप इंटीरियर स्पेस को कैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट से फुलफिल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क मिलते हैं एंड इसमें आपको गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरेज, एंड हम ये भी जानेंगे कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से इसमें कवर होते हैं। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी वीडियो में तो इस वीडियो को देखना है आपको एंड तक। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। हम जैसे कि बात कर रहे थे इस कोर्स के बारे में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो डिजाइनिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग में, देन फाइनली आप कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कैसे मैच कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को, एंड फाइनली एक इंटीरियर यानी आपके फोर कॉर्नर्स के अंदर आप कैसे उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बेसिक लर्निंग आपकी ये होने वाली है। अगर हम स्किल्स की बात करें तो आपकी काफ़ी सारी स्किल्स जो आप एनहांस कर सकते हैं वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वाया योर डिज़ाइंस होती है, देन आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स डेवलप होती हैं, ड्राइंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्किल्स। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ों को एंड आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी है कि हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो इंटीरियर्स होते हैं, डिफरेंट इंटीरियर्स होते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट करके बहुत अच्छे से ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको आगे वर्क ऑन कर सकते हैं उसमें, तो आपके डेफिनेटली ये कोर्स है। देन सम ऑफ द स्किल्स लाइक अगर आपकी आईसाइट अच्छी है, आपकी इमेजिनेशन अच्छा है, आप क्रिएटिव हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, लिसनिंग स्किल अच्छी है, तो ये सारी स्किल्स भी आपको काम आती है जब आप इस ये कोर्स को परस्यू करने के बाद किसी भी जॉब पोजीशन में फाइनली वर्क करने लगते हैं, तो ये स्किल्स आपको काम आती है, ये स्किल्स को एनहांस करने का काम ही ये कोर्स कराता है। अगर हम इसके बेसिक हाईलाइट्स पे जाए कि ये कोर्स की क्या हाईलाइट्स है, तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी आपको उस कोर्स को परस्यू करने के बाद मिलती है एक ग्रेजुएशन की डिग्री। कोर्स फाइनली आपका कंप्लीट होता है 5 साल का, थोड़ा सा लंबा कोर्स है लेकिन बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, हैंडसम सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यार वर्थ इन्वेस्टिंग है आपका 5 साल यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको आपका 10+2 यानी आपको अपना 12th कंप्लीट करना होता है फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड। एंड मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो आपको करना होता है स्कोर 50 परसेंटाइल अगर आपके हैं मिनिमम, तो ही आप एलिजिबल होंगे इस कोर्स को परस्यू करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अब आप सोच रहे होंगे यार कौन सी यूनिवर्सिटी जाके हम ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी चैनल पे मिलती है यार। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप रीच आउट करिए, वहाँ पे हम बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग कोर्सेज पे। एंड हम ये भी बताते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर कोर्स टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, तो आपको उससे रिलेटेड लिंक्स भी मिलेगी एंड डे टू डे अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। तो डू चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So I was talking about admission process and the minimum qualification. बेसिकली एडमिशन प्रोसेस पे जब हम आते हैं तो क्वालिफिकेशन आपकी चेक होती है कि आपने अपना 12th पास किया है कि नहीं। एंड अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायो स्ट्रीम्स, मैथमेटिक्स स्ट्रीम्स वाले लोग जनरली इसको परस्यू करते हैं। एंड यही देखा जाता है कि आपने अपना 10+2 कौन सी स्ट्रीम्स में किया है। तो आपका 10+2 अगर हम बात करें एग्रीगेट मार्क्स की तो 50% वॉज फॉर ओनली फॉर जनरल कैटेगरी। ना अगर आप SC, ST, OBC कैंडिडेट हैं तो 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपके चेक किए जाते हैं 10+2 में। एंड बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको आपकी स्ट्रीम 10+2 कंप्लीट करना होता है इन दिस स्ट्रीम्स। इसके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं एंट्रेंस एग्जाम डिफर होते रहते हैं। बेसिक एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करें तो नाटा एक बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेसिस पे आर्किटेक्चर की फील्ड में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपका जजमेंट होता है कि आपके इसके स्कोर के बेसिस पे आप एलिजिबल है या नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी में। सो नाटा दैट इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट JEE मेन्स के बेसिस पे भी होता है एंड JEE एडवांस के बेसिस पे भी होता है। बिटसेट जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट होता है, अगर आप पर्टिकुलरली कोई यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं जैसे कि बिरला इंस्टीट्यूट टारगेट करते हैं तो वहाँ पे आपका ये वाला एंट्रेंस एग्जाम होता है बिटसेट एंड उसके स्कोर के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एंड हाउ द एग्जामिनेशन वर्क। सो बेसिकली यहाँ पे होता है सेमेस्टर सिस्टम, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं एंड 5 साल का कोर्स है तो आपके होंगे 10 सेमेस्टर। अब इसमें सिलेबस कौन से सिलेबस क्या रहता है, सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। नाउ अब हम मेनली बात करें कि आपकी टोटल फीस कितनी होने वाली है अगर आप फाइनली इस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं एंड पढ़ना चाहते हैं तो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपकी लगने वाली वो होगी 1.5 से 6 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन अगेन आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबका फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है। कुछ 1.5 लाख के अंदर हो जाते हैं, कुछ 1.5 लाख से ज़्यादा लगते हैं। सो इट डिपेंड्स एंड अगेन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट में आपकी फीस थोड़ी सी कम हो जाती है बट एडमिशन प्रोसेस उसका जो होता है काफ़ी टाइट होता है एंड सीट्स भी काफ़ी कम अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स लैग बिहाइंड कर जाते हैं। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं, बहुत ही ईजी एडमिशन प्रोसेस होता है, ईजी एंट्रेंस एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर सेलेक्ट करते हैं तो। ना हम अगर बात करें जॉब पोजीशन की तो नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनर तो आप बनते ही हैं, लेकिन इसकी बहुत सब फील्ड्स होती हैं। सिर्फ आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नहीं, आपको बहुत टेक्निकल वर्क भी सीखने को मिलता है, आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें भी सीखने के लिए मिलती है कि अगर आप फाइनली इस चीज़ को सीख गए तो आप इसमें बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं। तो कुछ टॉप जॉब पोजीशंस की अगर हम बात करें तो आप बन सकते हैं फाइनली आर्किटेक्ट तो आप बन ही सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बनते हैं, लाइटिंग डिज़ाइनर बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, स्पेस प्लानर बन सकते हैं, सेट डिज़ाइनर बन सकते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजर जैसी कुछ जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिसको आप जिसपे आप वर्क ऑन कर सकते हैं। ना अगर हम टॉप रिक्रूटिंग एरियाज़ की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे जॉब प्रोफाइल तो पता चल गई लेकिन हम कौन से एरियाज़ में जाते हैं, कौन से जॉनर में हम वर्क करेंगे अपने इस पोजीशन को, तो आप टाउन प्लानिंग ब्यूरोज होते हैं बहुत सारे, उसमें आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं, उसमें आपको वर्क करने का मौका मिलता है। एंड आर्किटेक्चर फर्म्स होते हैं अलग अलग, आप उसमें वर्क कर सकते हैं। थिएटर्स, एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज़ रहती हैं, पब्लिक एजेंसीज़ रहती हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स रहते हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत सारा आपको वर्क मिलता है। होटल इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप वर्क कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, इंजीनियर फर्म्स जैसी कुछ रिक्रूटिंग एरियाज़ रहते हैं जिसमें आप टारगेट कर सकते हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। ना हमने पोजीशंस जान ली, रिक्रूटिंग एरियाज जान ले, अब आप सोच रहे होंगे कि हम अर्न कितना कर सकते हैं। तो अर्न भी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी पोजीशन पे हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, टैलेंट मैटर करता है, आपका प्रोजेक्ट मैटर करता है, आपकी डिज़ाइन मैटर करती है, तो ये सब तो मैटर करता है। बट एक एवरेज एक्सपेक्टेशन जो आप लगा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वो आप लगा सकते हैं 2 से 8 लाख के बीच में, यानी इनिशियली आप 2 से 8 लाख के बीच में कमा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी रिक्रूटिंग एरियाज में जाते हैं, कौन सी कंपनीज में जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एवरेज इनिशियल सैलरी। ना अगर हम और इसकी टेक्निकलिटी में घुसे, यानी आपको कौन कौन सी सिलेबस मिलते हैं सेमेस्टर वाइज, आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपको एक रिलीफ मिल जाएगा कि यार ठीक है ये सब हम पढ़ सकते हैं। तो हम डेफिनेटली 5 साल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। तो B.Arch में आपको पढ़ना पड़ता है, यानी इंटीरियर डिजाइनिंग में, उसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में कोर्सेज सब्जेक्ट्स मिलते हैं लाइक इंटीरियर ड्राइंग्स, रिप्रेजेंटेटिव स्किल्स, आर्किटेक्चर डिजाइंस एंड ग्राफिक्स, बेसिक डिजाइन सिखाई जाती है। इंटीरियर डिजाइनिंग का बेसिक स्टार्टिंग से सिखाया जाता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स मटेरियल, आर्किटेक्चर डिजाइन, इंटीरियर मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स कुछ सिखाए जाते हैं। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो मेथड्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग सिखाई जाती है, यानी इसकी और टेक्निकलिटी में घुसा जाता है। बिल्डिंग सर्विसेज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइन, फंडामेंटल ऑफ आर्किटेक्चर, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड भी आपको सिखाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आप डिजाइन बनाते हैं दैट इज सम और दी अदर वे इज रिफ्लेक्टिंग योर एनवायरमेंट, राइट। या तो वो उसे रिफ्लेक्ट करता है या तो उसे अफेक्ट करता है, तो आपको एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर लैब्स में आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, हार्डवेयर रिलेटेड टेक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने डिज़ाइन प्रिपेयर कर सकते हो। फिर कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, सर्विसेज जैसे सब्जेक्ट्स तो रहते ही हैं। हिस्ट्री के बारे में भी बताया जाता है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ पुराने मॉन्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हुए थे। फिर फर्नीचर की हिस्ट्री भी आपको बताई जाती है, क्योंकि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में वर्क करना होता है अबाउट विद द डिफरेंट फर्नीचर्स। फिर अगर हम बात करें आपके थर्ड ईयर की, तो उसमें आपको क्वांटिटी सर्विंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिलते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग, टाउन प्लानिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीरियर डिजाइन, क्वांटिटी एस्टिमेट्स, इंटीरियर सर्विसेज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीरियर डिजाइन पार्ट 1, पार्ट 2 जैसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। फाइनली अगर हम आपके लास्ट ईयर पे आए तो लास्ट ईयर में आपको मिलते हैं सब्जेक्ट्स लाइक टाउन प्लानिंग, अगेन थेसिस वर्क होता है, इंटर्नशिप रहती है, ट्रेनिंग रहती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी एनहांस होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है, आपका पोर्टफोलियो जनरेट किया जाता है, वर्कशॉप मॉडल्स आपको खुद के प्रिपेयर करने रहते हैं। उसके बेसिस पे आपको आपके लास्ट मतलब सिलेबस वो काफ़ी रहते हैं कि आपने खुद से क्या डिज़ाइन क्रिएट किए, क्या आपकी क्रिएटिविटी कितने लेवल तक आप बढ़े हैं, क्या फाइनली आप रेडी हैं कि नहीं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स एंड स्किल्स एंड पैरामीटर्स पे आपकी फाइनली जजमेंट होती है आपके लास्ट ईयर में। सो दिस वाज ऑल कि आपका सिलेबस क्या रहता है ना। अगर हम फाइनली बात करें कि इतनी सारी जॉब प्रोफाइल्स तो बता दी, प्रोफाइल के हिसाब से अर्निंग्स भी बता दीजिए। तो अगर आप बनते हैं इंटीरियर डिजाइनर फाइनली तो आप अर्न कर सकते हैं 4 से 9 लाख आपकी इनिशियल सैलरी रह सकती है कि आप फाइनली अर्न कितना कर सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी प्रोफाइल में रहते हैं वो तो डिफर होता है, बट आपके रिक्रूटिंग एरियाज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोकल होते हैं ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स नेशनल लेवल होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल ब्रांड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पे स्केल होता है वो बढ़ता जाता है एंड डिफर होता जाता है कंपनी टू कंपनी ना। अगर हम आर्किटेक्ट बनते हैं तो आर्किटेक्चर, क्योंकि आपको स्किल्स आ ही जाती है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बेसिक्स को आप बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आप 3 से 7 लाख अर्न कर सकते हैं अगर आप एक आर्किटेक्ट बनते हैं। अगर आप टीचर बनने का फाइनलाइज करते हैं कि यार मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब मैं दूसरों को भी पास ऑन कर सकता हूँ, तो आप बन सकते हैं एक टीचर, जिसमें आप 4 से 5 लाख अर्न कर सकते हैं। अगर आप फाइनली डिसाइड करते हैं थिएटर डिज़ाइनर बनने का, क्योंकि उसमें भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत रहती है, जो भी थिएटर के जो सेट की जो वर्किंग रहती है वो आपको करना रहता है थिएटर की। सो यहाँ पे भी आप 1.5 से 6 लाख तक कमा सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंट बनने का सोचते हैं तो यहाँ पे आप 3 से 5 लाख कमा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स डिग्री। देन फाइनली अगर आप एक एग्जीबिशन डिज़ाइनर बनते हैं, क्योंकि आप एग्जीबिशन भी थ्रो कर सकते हैं, उसमें भी आप अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं, तो उसमें आप इजीली कमा सकते हैं 3 से 5 लाख इनिशियली। एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना सामान बेचा है उस पर भी वर्क करना रहता है, तो आप 3 से 5, 6 लाख कमा सकते हैं इजीली। सो आई थिंक मैंने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है अबाउट दिस टॉपिक इन विच बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंटीरियर डिजाइनिंग के। बट अगेन इन केस अगर मुझसे कोई भी टॉपिक रह गया है यार, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्लिक हुआ है, कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड हम आपको उसमें जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा जजानी साइनिंग ऑफ।